सलमान खान ने घर पर हुई फायरिंग पर दिया रिएक्शन। सलमान खान ने अपने घर पर हुई फायरिंग पर चुप्पी तोड़ी है। खान के फैमिली के करीबी ने बताया है कि इस फायरिंग के बाद सलमान खान का क्या रिएक्शन था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई में घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को बाइक सवार दो हमलावरों ने फायरिंग की है और इस घटना के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और अब इसकी जाँच हो रही है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जाँच कर रही पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। बताते चले कि सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इस हमले के बाद लोग सलमान खान के रिएक्शन जानना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। सलमान खान ने किसी भी सोशल मीडिया से बात नहीं की है और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट शेयर किया है। वहीं आपको बता दे, कहा जा रहा है कि सलमान खान को अपनी नहीं बल्कि अपनी फैमिली की चिंता है। सलमान खान के पिता सलीम खान ने सुझाव दिया है कि वो फैमिली रेजिडेंस को छोड़कर किसी बेहतर जगह पर शिफ्ट हो जाएं। हालांकि खान फैमिली एक दूसरे के काफी करीबी है तो कोई भी एक दूसरे को अपनी चिंता या तनाव जाहिर नहीं करता, इसलिए सलीम खान बहुत शांत दिख रहे हैं, लेकिन धमकियों से उनका भी जी घबराया हुआ है। अब देखना होगा इस बात पर क्या रिएक्शन आता है।